फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग सी है। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, स्क्रब मास्क और क्लींजर ऑनलाइन ऑर्डर करा था डर्माशाइन वालों का। तो उनकी आप लोग इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके अपना एड्रेस लिख के और ट्रांजेक्शन जो भी के, अगर आपके पास कोई किसी ब्लॉगर वगैरह का डिस्काउंट कोड भी है तो वो भी आप लगा दें, उससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। इस तरह आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा। मैंने तो इसके लिए बहुत वेट किया था क्योंकि ईद पर मैंने इसको ऑर्डर किया था और मुझे काफ़ी लेट लाइक मिला था, एक महीने बाद ऑलमोस्ट, और उस टाइम सेल भी लगी हुई थी तो मुझे अच्छी प्राइस मिल चुकी थी। तो मेरा ये पार्सल आ चुका है और काफ़ी दिनों बाद मेरा ये पार्सल आया और ऑलमोस्ट एक महीने बाद ना। तो मैंने ये पार्सल ईद से पहले ऑर्डर किया था। चलिए फिर इसको खोलते हैं, ये गर्मी से बहुत बुरा हाल हो चुका है इसका, तो चलिए खोलते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक लगाते हैं, एक इधर से करते हैं, ठीक है। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इसका। डर्माशाइन के ऑफिशियल रेंज की मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह सुने थे तो मुझे काफ़ी टाइम से था कि मैं ये ऑर्डर करूं, ज़रूर ऑर्डर करूं, लेकिन पार्सल लेट आने की वजह से बॉक्स का बहुत बुरा हाल हो चुका था और वो खुल भी नहीं रहा था। काफ़ी मेहनत लगी है मुझे उसको खोलने में। डर्माशाइन की फेशियल रेंज में दो हैं, एक ऑयली स्किन के लिए अलग है फेशियल की सारी किट, और जो नॉर्मल स्किन के लिए वो अलग है। तो मैंने नॉर्मल के लिए ऑर्डर करवाई थी, आखिर इतनी मेहनत के बाद बॉक्स खुल ही गया। और फेशियल एक तो फेशियल मास्क था जो कि उसके भी मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ सुने थे और काफ़ी अच्छा है, उसको मैंने यूज़ किया। और साथ में स्क्रब था, स्क्रब की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि ऑयली स्किन के लिए तो स्क्रबिंग बहुत मस्ट है। वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा या दो दफ़ा स्क्रबिंग तो करनी चाहिए। स्क्रबिंग डिफरेंट और प्रोडक्ट्स भी हैं काफ़ी कंपनी की, पर इनका स्क्रब भी बहुत अच्छा है। मैंने इनकी प्रोडक्ट्स हर स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, ऑयली के लिए भी, ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए भी, और सबसे अच्छी बात कि बहुत अफोर्डेबल हैं, लाइक और ब्रांड से बहुत अफोर्डेबल हैं। तो ये मेरे पास ये हैं, मैंने जो तीन ऑर्डर की थी, हाँ ये दिस वन, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर की थी। एक है ये डर्माशाइन का क्लींजर, ठीक है, जो कि मुझे ये है ऑरेंज वालों का, ब्राइटनिंग डीप वालों का, ठीक है, और मैं इसको यूज़ करके तो आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूँगी। दिस वन इट्स ऑलमोस्ट ओपन, लाइक हाउ दिस हैपेंड, बंद भी नहीं था। अच्छा, तो एक ये है हमारे पास इनका डर्माशाइन वालों का स्क्रब, होप्स हो के अच्छा होगा, काफ़ी इनके रिव्यूज़ सुने हैं, काफ़ी इनके रिव्यूज़ सुने हैं। तो एक वो है दिस वन डर्माशाइन वालों का मास्क, ओके। सो ये तीन चीज़ें मैंने मंगवाई थी, इनकी पूरी किट थी, वो किट मैंने इनकी खुद ही नहीं मंगवाई क्योंकि मैं पहले चाहती थी कि मैं इनके प्रोडक्ट्स जो है ना ये वाली मैं यूज़ करूँ। तो ये इनका वाइटनिंग फेशियल मास्क है डर्माशाइन वालों का, तो इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ करूँगी, तो मैं इस इन तीनों चीज़ों पे रिव्यू ज़रूर दूँगी। और सो दिस वन इज़ के, सो इनका इन सब का मैं रिव्यू ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को इनकी एक बता देती हूँ, मैंने अभी ये खोला तो इनकी ये सील लगी हुई है, लाइक के ब्रिलियंट आइडिया, ताकि बहुत अच्छा है ये। इन सब का मैं आप लोगों को खोल के बताती हूँ एक से की वेट, जस्ट लाइक ये दिस वन, ठीक है, सील लगी हुई है इनकी, तो बिल्कुल सेफ हैं ये तीनों की, इसी तरह ही हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी।
आज की वीडियो के लिए सिर्फ इनकी अनबॉक्सिंग थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका रिव्यू ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। और दुआ करिएगा मेरे लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।